I am going to discuss about atomic structure. Question: what shall be the number of proton, neutron and electron in an atom of the element whose atomic number is 17, a mass number 37? तो आपको निकालना क्या है, फाइंड करना है व्हाट शैल बी द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन. ओके, तो एटॉमिक नंबर इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होता है, इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के. Therefore, यहां पर दिया हुआ है नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 17 हुज एटॉमिक नंबर इज 17, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन है. एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएगा, प्रोटॉन के इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 17. तो मास नंबर यहां से निकल जाएगा, मास नंबर क्या होता है, मास नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यही तो मास नंबर होता है. तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, यहां पर मास नंबर मेरा गिवन है 37, मास नंबर 37 पुट कर देंगे, 37 इक्वल टू प्रोटॉन का मास, ये प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन 17 है और यहां पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएगा न्यूट्रॉन्स. यहां से हम निकाल लेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यहां यहां ये पॉजिटिव में है, ये इक्वल टू किधर आ जाएगा, 37 माइनस 17 इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल टू, तो इससे माइनस हो जाएगा तो 20 आंसर. यहां पर किए क्या है, व्हाट शैल बी द नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन का, तो न्यूट्रॉन यहां पर निकल गया, इलेक्ट्रॉन निकल गया एंड प्रोटॉन तो दिया हुआ था नंबर ऑफ प्रोटॉन. व्हाट शैल बी द नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इन एन एटम ऑफ द एलिमेंट हुज एटॉमिक नंबर इज 17 एंड मास नंबर 37 गिवन था. तो एटॉमिक नंबर इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन मेरे को यहां से मिल गया 17, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू होता है प्रोटॉन के इक्वल टू 17, मास नंबर का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो मास नंबर गिवन था मैंने पुट कर दिया, नंबर ऑफ प्रोटॉन यहां पर गिवन था 17 मैंने पुट कर दिया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यहां से फाइंड हो जाएगा. थैंक यू.